हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एडवोकेट जो है वो एलिजिबल होता है एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराने के लिए, एनरोल होने के लिए। सो वो हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे या जो चाहते हैं कि हम जो है एडवोकेसी फील्ड में जाएं और हमें जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, सो गाइस आप लोगों को जो है AIP एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। फिर आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर आप लोग एडवोकेसी फील्ड में जाते हो तो। ठीक है, AIP एग्ज़ाम दे दोगे और आप लोग ने क्रैक कर लिया और COP मिल गया तो आप लोग जो है इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी भी मतलब कि आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप लोगों के पास जो है एक एज अ प्रूफ लाइसेंस आप लोगों को मिल जाता है कि आप लोग इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हम डिस्कस करेंगे कि How does advocate become eligible to enroll as an advocate? किस तरीके से एक एडवोकेट जो है वो एलिजिबल बनता है टू एनरोल एज एन एडवोकेट। सो बेसिकली अगर आप लोगों को भी ये वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग ले सकते हैं। ही और शी मस्ट पोजेस अ लीगल डिग्री। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास जो है या तो BA LLB की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए या फिर जो है LLB की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक डिग्री है तो आप लोग जो है एलिजिबल हैं टू बी एन इंडियन सिटीजन, और आप लोग जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन भी फुलफ़िल होनी चाहिए। ही और शी मस्ट गिव द स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट फी। ठीक है, आप लोगों ने जो है थर्ड पॉइंट पर अपना एनरोलमेंट कराया हो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद और आप लोग इंडियन सिटीजन हो, एनरोलमेंट कराने के बाद आप लोगों ने अपनी फ़ी पे की और आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर फिर उसके बाद दिया जाता है। हिज नेम वुड बी इवेलुएटेड बाय द एनरोलमेंट कमेटी। आप लोगों का जो नेम है ही और शी का, वो आप लोगों का जो है एनरोलमेंट कमेटी के द्वारा इवेलुएट किया जाएगा। विच वुड ईदर अप्रूव और रिजेक्ट हिज एप्लीकेशन। जो कि वो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ टर्न डाउन द नेशनल बार काउंसिल विल नोटिफाई अलॉन्ग विद द रीजन्स वाई एंड अदर स्टेट काउंसिल विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, सो अदर स्टेट बार काउंसिल को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस चीज़ से रिलेटेड। द एप्लीकेंट में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द बार एसोसिएशन डिसीजन। इन केस अगर आप लोगों की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, एनरोलमेंट नहीं होता है, तो आप लोग भी जो है अपना इस केस में आप लोग जा सकते हो, वेदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या फिर जो है आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हो। बट आप लोगों को जो है कंडीशंस फुलफ़िल करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बिल्कुल रेडी रखने हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ पर लेकर के जाओगे वो बिल्कुल जो है एक तरीके से वैलिड होने चाहिए, वैलिड नहीं होने चाहिए कि आप लोगों की जो भी मार्कशीट वगैरह वहाँ पर देखी जाएगी वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए कॉलेज की। और जो ID प्रूफ होगा वो भी बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, ईमेल ID भी जेन्युइन होनी चाहिए। इवन जो है आप लोगों का जो मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर जो होता है वो भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप लोग ईमेल ID किसी और की दे रहे हो, नंबर भी आप लोग गलत डाल रहे हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के ईमेल ID पर उनके थ्रू जो है प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो पाएगी। और आप लोगों में से अगर किसी कैंडिडेट को देना है AIB 19 का एग्ज़ाम तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई है, वट एवर इट इज़, जो भी है, जो भी आप लोग कर रहे हो, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए AIB 19 एग्ज़ाम के लिए स्टेट बार काउंसिल के अंदर। ठीक है, स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर जो है हमारा जो लॉन टिप्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी आप लोग जो है अपनी क्वेरीज और इश्यूज़ को शेयर कर सकते हो। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल